Start with the name of Allah Almighty who is most merciful and compassionate. Assalamu and welcome to everyone. I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about Beowulf. Its introduction, themes, literary devices, characters, paganism versus Christianity. Before starting our topic, I would like to say if you have not subscribed to my channel click the subscribe button now and press the bell icon for upcoming videos now moving towards our topic beowulf it is most important work of old english period it is considered as masterpiece work of that era it is an epic poem containing 3182 alliterative lines it is written by an unknown author इनफैक्ट इस पोइम का कोई खास टाइटल नहीं था लेकिन 1705 फाइव में जब इंग्लिश हिस्टोरियंस ने इसे डिस्कवर किया तो उन्होंने इसके हीरो के नेम से इसका टाइटल रखा इट्स सिंगल कॉपी इज़ प्रेजेंट इन नोवल कोडेक्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ब्यूल्स थ्री इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ दिस एपिक पोएम आर मैंशन First battle that was in between Beowulf and the monster Grendel. And second one was with Grendel's mother and Beowulf. Third and the final fight was with the dragon and Beowulf. In these battle Beowulf won each and every battle. Themes. Theme is a central idea or moral lesson which we get from the poem. Many themes are described in this poem such as शिवल एंड वेलर इट इज़ डिस्क्राइबड एज यूनिवर्सल थीम रिपीट अगेन एंड अगेन इन दिस पोइम ब्यूवल्फ हीरो ऑफ द पोएम वाज वेरी ब्रेव ही ब्रेवली विद डेंडल हिज मदर एंड इन लास्ट विद ड्रैगन यह पोएम हमें मॉरल लेसन देती है कि हमें मुश्किल का सामना बहादुरी और जुरद से करना चाहिए सेकेंड गुड कंकर्स इवल जीत हमेशा अच्छाई की होती है थर्ड लोयालिटी इट वॉज़ द मेन थीम इन दिस पोइम बिवुल्फ हरा के साथ लॉयल्टी शो करता है और अपने किंग हाईगलिस के साथ भी एंड तक लॉयल रहता है इस पोइम में वॉरियर्स को भी एज अ लॉयल दिखाया गया है फोरथ जनरिसिटी वैसे तो ये माइनर थीम है लेकिन काफ़ी अहम है किंग हाइलिस और किंग रोथगर दोनों बहुत जर्नलिस्ट थे और अपने लोगों को बहुत इनामत देते थे बी वुल्फ भी एक जर्नलिस्ट किंग था उसने अपने चार साल हुकूमत में अपने लोगों का बहुत ख्याल रखा नाउ मूविंग टू वर्ड्स द करैक्टर्स बी वुल्फ इट वॉज द मेन करैक्टर इन द स्टोरी एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस एपिक पोएम He died at the end of this poem. King Hrothgar. He was a king of Dane. Dane was a kingdom and he was a king of that kingdom. Grendel. This was the monster who attacked the Danes. He was the character or antagonist of this epic poem. Grendel's mother. She was the mother of Grendel, a monster she attacks the danes out of revenge for her son's defeat. the dragon. the dragon described in this epic poem was an ancient, powerful serpent. the third and the final part of this epic was fight of dragon with beowulf. wiglaf. he was a servant of beowulf and comes to beowulf's aid in battle. paganism vs. christianity. मुख्तलिफ स्कॉलर्स का यह मानना है कि पहले यह पोम पैगनीज़म से बिलोंग करती थी लेकिन बाद में इसे क्रिस ने भी लिखा यही वजह है कि बेवल्फ़ में पैगनीज़म और क्रिस्टानिटी दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं अगर हम ऐज अ पैगनीज़म बात करें तो ये पैगन सोसाइटी को शो करती है जैसे वो मर्दों को जला देते थे और यह पैगनीज़म बिहेवियर शो करती है बी डिज़ायर फॉर फेम एंड वेल्थ शोज़ पैगन बिहेवियर और अगर एज अ क्रिस्ट हम देखें तो बी को क्रिस्ट और ग्रैंडल को, को लूसीफर से तशदी दी गई है बी और हरातगर अपनी कामयाबियों के बाद खुदा का शुक्र अदा करते थे और ये क्रिस्टानिटी को शो करता है बी बिलीव अबाउट फेट सॉर्ट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैगन पैगन सोसाइटी में माना जाता था कि एक मजबूत तलवार से जंग जीती जा सकती है और बीवुल्फ में तलवार को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है मॉन्स्टर हेड बीवुल्फ को मॉन्स्टर का हेड लेक से बाहर लेके आना भी पैगनिज्म को शो करता है यही वजह है कि हम बीवुल्फ में पैगनिज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों एलिमेंट्स देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। मैनी लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस एपिक पोम सच एज Alliteration. Beowulf is written in alliterative verse line, allusion, poetic diction, simile, and caning. It is most used in this poem and major device in English language. That's all for today. Thank you so much.